हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने इस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज की, और इस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग 4 PM क्लास करंट अफेयर्स की क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहां से आकर के आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको डाउनलोड कर लीजिए अपने मटेरियल्स वगैरह। इसके अलावा ये हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसको कि आप लोग अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैंगोलिन के बारे में। पैंगोलिन ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है बिकॉज ऑफ कोविड 19 पे एक सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो पैंगोलिंग्स आर द ओनली मैमल होली कंसर्न कवर्ड इन स्केल्स एंड दे यूज दीज स्केल टू प्रोटेक्ट। जैसे मछली आप लोगों ने देखी होगी, मछली के पास गिल्स के पास में अपना एक कांटा वगैरह होता है जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। सिमिलरली पैंगोलिन के पास भी कांटे होते हैं, इसके पूरे शरीर पे इस तरीके से स्केल्स बनी होती है, और ये स्केल अगेन अपने आप को ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पैंगोलिन के बारे में, तो पैंगोलिन की टोटल 8 स्पीसीज पाई जाती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 2 तरीके की इंडिया में भी पाई जाती है, और ये बेसिकली पाई जाती है चाइनीज ओरिजिन की, और ये पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में। ये आर चाइनीज पैंगोलिन मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर बात करें हम लोग हैबिटेट के बारे में, तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। IUCN कैटेगरी इंडेंजर्ड है, कौन से वाले की? इंडियन वाले की। चाइना में क्या है? चाइना में लोग इसको खाते हैं, तो आप आराम से बता देंगे ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगी, एक लेवल ज्यादा ही इंडेंजर्ड है। क्लियर। WPA में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ये शेड्यूल 1 में आ जा रही होती है। आगे बात करें, नेक्स्ट देखिए हमारी काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, दैट इज रिलेटेड विथ ग्लेशियर। ग्लेशियर में आपसे सीधे पूछ देगा थ्वाइट्स ग्लेशियर वॉज रिसेंटली इन न्यूज, क्या मतलब है इसका? तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका जो कि किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी में नहीं आता है, ये एक रिसर्च एरिया बना हुआ है। सारी कंट्री अपना अपना यहां पर एक क्षेत्र बना के रखी हुई है, यहां पर बेसिकली इन्वायरमेंट रिलेटेड रिसर्च की जाती है, कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन किया जाता है। माउंट एल्ब्रस यहाँ की एक माउंटेन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, वहां पर रिसेंटली एक प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर ये डिटेक्ट किया गया है। तो बेसिकली रिसेंटली अ न्यू स्टडी हैज डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर एट अ वाइटल पॉइंट बीनीथ द थ्वाइट्स ग्लेशियर एज बिकॉज ऑफ मेल्टिंग। अब हो क्या रहा है, ये ग्लेशियर इतना ज्यादा बड़ा है कि पर ईयर एनुअल बेसिस पे इसमें काफी ज्यादा वाटर की बढ़ोतरी होती जाती है, मतलब कि ये ग्लेशियर पिघल रहा है और इससे सी लेवल राइज काफी ज्यादा हो रही है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा एक इन्वायरमेंटल कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रही है, देख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक और तिब्बत में माउंटेन है जिसका नाम है शीश पंगमा माउंटेन, ये भी अगेन हिमालयन ओरिजिन की ही है, और ये भी अगेन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां पर ये धौसपू ग्लेशियर है, और ये धौसपू ग्लेशियर ये रिसेंटली पाया गया है कि ये भी अगेन यहां पर ब्लैक कार्बन पाया गया है, और ये कहा गया है कि जिस समय जो ह्यूमन है वो यहां पर पहुंचा भी नहीं था, उस समय से ही यहां पर ब्लैक कार्बन स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसके कारण से यहां पर अगेन ये भी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है। बाद में पता चला कि हमें इस तरीके की चीजें भी हो रखी हैं। तो रिसेंटली इन ए स्टडी इट इज फाउंड दैट ह्यूमन एक्टिविटी मे हैव कंटेमिनेटेड धौसपू ग्लेशियर, वन ऑफ द हाइएस्ट पीक इन सेंट्रल हिमालय, हंड्रेड्स ऑफ ईयर बिफोर अ पर्सन सेट फूट देयर। तो इस तरीके से पहुंचने से पहले ही वो कह लीजिए ब्लैक कार्बन वहां पर चला गया था। इसके अलावा देखिए एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है जिसका नाम है थैनेटोथेरेस्ट। ये क्या है आपसे देखिए, तीनों ही एक साथ इसलिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है
क्योंकि थोड़े से इसके नाम थोड़े से अलग टाइप के हैं, आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि ये थ्वाइट्स वॉज रिसेंटली इन न्यूज, या फिर धॉस्पू वॉज रिसेंटली इन न्यूज, या फिर थैनोप्टोथेरिस ये भी रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको बोल देगा एक ग्लेशियर है, या फिर एक स्केलेटन है, या फिर एक मिनरल रिच रीजन है, या फिर कुछ एक मान लेते हैं कि केमिकल का नाम लिख देता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट डायनासोर फॉसिल, बेसिकली ये जो ओरिजिन है, ये जो जीव है, वो एक डायनासोर है जिसकी स्केलेटन, जिसके रिमेन्स पाए गए हैं अल्बर्टा इन कैनेडा इन 2010। दिस बिलोंग्स टू अ न्यू स्पीसी ऑफ टायरानोसॉरस, दे हैव नेम्ड इट थैलोथेरिस विच मीन्स रैप्टर ऑफ डेथ, मतलब कि ये बेसिकली एक तरीके से कह लीजिए डेथ की आफत थी, डेथ की कह लीजिए कि ये शुरुआत हो रही थी, ये लोग काफी ज्यादा नॉन वेजिटेरियन थे। ठीक है, बाकी देखिए आगे बात करें तो ये मुक्तोश्री राइस के बारे में है। मैंने आप लोगों को पुराने करंट अफेयर्स में कुछ और भी नए नए जीएम क्रॉप के बारे में बताया है, जैसे ARI 516 के बारे में बताया था, ये ग्रेप वैरायटी थी, याद होगा आप लोग को। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था मिथेनोट्रॉप्स के बारे में, ये क्या थी बताइए, ये थी बेसिकली जहां पर मीथेन गैस निकल रही है, जो राइस वैरायटी से मीथेन गैस निकल रही है उसको कम करने के लिए ये मिथेनोट्रॉप्स एक तरीके का बैक्टीरिया हुआ करता था। इसके अलावा मैक MACS 4028 ये एक वीट की वैरायटी हुआ करती थी, याद होगा आप लोग को। इसके अलावा ये सह्याद्री मेधा ये भी एक पैडी की ही वैरायटी हुआ करती थी, राइस की ही वैरायटी हुआ करती थी। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ था। एक और नई करंट अफेयर आपके लिए है, मुक्तोश्री राइस, ये भी बेसिकली हुआ क्या है कि हमारे वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक की काफी ज्यादा कंटेमिनेशन पाई जाती है, जिसके कारण से ब्लैक फुट डिसीज हो जाता है लोगों को, और ये कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा घातक होता है हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए रिसर्चर फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैव डेवलप्ड द राइस वैरायटी कॉल्ड मुक्तोश्री और IET 21845 विच इज रेसिस्टेंट टू आर्सेनिक। तो इस तरीके से इसे आर्सेनिक फ्री करने की कोशिश की गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी डेवलपमेंट बात करें किसके द्वारा हुई है, तो देखिए वेस्ट बंगाल की जो रिसर्चर हैं और साथ में NBRI लखनऊ के साथ मिलकर के इन्होंने डेवलपमेंट की है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक और है, सारस इनिशिएटिव। सारस का मतलब क्या है, सारस स्टैंड फॉर साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट। इसका काम क्या है, इट्स एम इज टू प्रमोट इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग कंपनी की ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन एट ऑप्टिमम लेवल। यहां से हो क्या रहा है, यहां से बेसिकली कंपनी की जो भी प्राइवेट कंपनी है उसकी एक रिसोर्स के प्रति, ऑपरेशन के प्रति इफिशियंसी बढ़ती जा रही है, और साथ में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे, ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट पे इस पे फोकस किया जा रहा है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सारस इनिशिएटिव क्या चीज है, इट इज बेसिकली नाम से ही पता चल जाएगा आपको, साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट। तो ये सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से चीजें हैं। आगे बात करें, देखिए हेल्थ से रिलेटेड हमारी एक करंट अफेयर्स है, और ये है यूथर्मिया से रिलेटेड। अब देखिए इसका पहले बैकग्राउंड आप समझ लीजिए, फिर बाकी आप समझ जाएंगे। मान लेते हैं दिस इज यू, ठीक है। अब यहां पर आपका बॉडी टेम्परेचर जब नापा गया तो बॉडी टेम्परेचर कितना निकल के आता है, बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। लेकिन आप कहेंगे ये पता कहां से चला है, कहां से आपने इसको माना है? तो इसको जो बताया था, जो ये बॉडी टेम्परेचर बताया गया था, उसमें एक साइंटिस्ट साहब थे, नाम आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन्होंने 25,000 सैंपल लिए थे टेम्परेचर के, और इस सैंपल के बेसिस पे इन्होंने एक कैलकुलेशन की, और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे इन्होंने बॉडी टेम्परेचर को बोला कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, रिसेंट रिसर्च में ये निकल के आया है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लगातार कम होते आ रहा है विद द टाइम, तो ये लो टेम्परेचर हो रही है। अब अगर मान लेते हैं किसी का एक बॉडी टेम्परेचर 96 डिग्री फॉरेनहाइट है, और वो 100 डिग्री फॉरेनहाइट पे इस समय उसका बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया, ये बेसिकली एक बार समझ लीजिए कि COVID-19 के ही केस में निकल करके आया है कि COVID-19 में थर्मल स्कैनर का यूज किया जा रहा है,
और यहां पर अगर 98.6 है और अगर 99 किसी का मिल रहा है तो उसको आप कह देंगे कि इसको बुखार नहीं है, लेकिन किसी का अगर 96 है और 99 डिग्री फॉरेनहाइट थर्मल स्कैनर पे निकल के आ रहा है तो बेसिकली 3 डिग्री ज्यादा है और इसको फीवर है, ये व्यक्ति बीमार है, लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो यहां से ही रिसर्च हुई और अल्टीमेटली ये रिसर्च निकल के आई है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन ये बॉडी टेम्परेचर साल के साथ साथ या फिर समय के साथ साथ चेंज होते आ रही है, घटते आ रही है, और उसी को उन्होंने नाम दिया है यूथर्मिया। तो थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड और यूथर्मिया का मतलब जो ये बॉडी टेम्परेचर गिरते जा रही है। समझ में आ गया होगा आपको सिस्टम क्या है ये। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो नोन एज नॉर्मोथर्मिया और यूथर्मिया, इट इज द टिपिकल टेम्परेचर रेंज फाउंड इन ह्यूमन। जो थर्मामीटर पे रीडिंग आती है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हैज बीन अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अ सेंचुरी एंड अ हाफ एवर सिंस अ जर्मन डॉक्टर लेड इट डाउन एज अ नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर। तो ये वो साइंटिस्ट आप थे जिन्होंने ये टेम्परेचर बताया था। नाउ जो नई रिसर्च निकल के आई है, इट हैज बीन फाउंड दैट बॉडी टेम्परेचर हैव इनफैक्ट बीन डिक्लाइनिंग ओवर द लास्ट 2 सेंचुरीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट ओवर द पास्ट 200 ईयर्स। और इसलिए हमें वापस से इस बॉडी टेम्परेचर पे वर्क करना होगा, हमें एक बॉडी टेम्परेचर बताना होगा, अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ रिपरकशंस बिकॉज ऑफ दिस COVID-19। क्लियर हो गया क्या चीज है। इसके बाद हमारी कुछ इंटरनेशनल न्यूज है, फटाफट इसको देख लेते हैं। पहली न्यूज है और वो है अफ्रीकन यूनियन समिट के बारे में जो कि आदिस अबाबा में हुई है। आप लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर में आदिस अबाबा ये जगह है कहां पर, किस कंट्री में है। क्लियर, यहां पर देखिए क्या बात है। इट इज अ कॉन्टिनेंटल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 55 मेंबर स्टेट जो कि अफ्रीका में है, वही सारे मिल करके बना रहे होते हैं ये अफ्रीका यूनियन समिट, अफ्रीका यूनियन बना रहे होते हैं। इसको बनाया गया था 2002 में, किस डिक्लेरेशन से, सर्टे डिक्लेरेशन से। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर्टे क्या चीज है, क्या ये किसी जगह का नाम है, और अगर जगह का नाम है तो कहां पर है वो जगह। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और यहां पर एडवांस में चलते हैं, इंडिया और अगर बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में, क्या इसकी कोई मीटिंग हुई है, तो बिल्कुल हुई है और ये 1967 से ही होते आ रही है। ऑल दो समय ये पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं था, इनफॉर्मल बेसिस पे होता था, लेकिन यहां पर की जा रही होती थी। रिसेंट में अगर बात करें 2015 में इसकी थर्ड मीटिंग हुई थी और तब से अभी तक एज सच कोई खास मीटिंग नहीं हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और अफ्रीका यूनियन के बीच में जो रिलेशन है वो काफी पुराना है। अगर रिसेंट में कोई मीटिंग होती भी है तो वो ऑब्वियसली पहली बार मीटिंग नहीं होगी, काफी पुरानी मीटिंग हो चुकी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2015 में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं करंट अफेयर्स बताया करूं, जितना बताया करूं, रट्टा मार लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं जितनी भी चीजें हैं। अब यहां पर देखिए आती है अगली करंट अफेयर्स हमारी कियारा स्टॉर्म के बारे में, या इसी कियारा स्टॉर्म को हम लोग सैबिन स्टॉर्म भी बोल रहे हैं। अब ये अलग अलग नाम क्यों है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले तो इसका कंटेक्स्ट जान लीजिए। इट इज अ मेजर स्टॉर्म हिट नॉर्दर्न यूरोप, डिसरप्टिंग ट्रैवल एंड पब्लिक इवेंट इन द रीजन। तो फिलहाल क्या हुआ है कि एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टॉर्म आया है, बहुत ही बड़ा तूफान आया है, जिसके कारण से नॉर्थ यूरोप की, नॉर्थ यूरोप का मतलब ये हमारी जो जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, या फिर हमारी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड तो खैर सेंट्रल में आ जा रही होती है, फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ये सारी रीजियन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई और साथ में यूके भी। अब यूके ने क्या किया है, इसका अलग से नाम रखा है जिसका नाम है कियारा स्टॉर्म, और जर्मनी ने इसका नाम रखा है सेवाइन। एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ पे जैसे कोई साइक्लोन आती है तो हम लोगों ने अपनी एक टीम बना के रखी हुई है इंडियन ओशियन मैरिटाइम की, और वो बारी बारी से अपना अपना नेमिंग करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई कमेटी नहीं बनी हुई है जो नेमिंग कर रही हो, इस वजह से अलग अलग नेमिंग निकल के आ रही होती है। खैर आपको ये ध्यान रखना है कियारा स्टॉर्म ये कहाँ आई है या फिर सेविन स्टॉर्म कहाँ आई है, तो आप बता देंगे ये नॉर्दर्न यूरोप में आ रखी है। आगे बात करें तो देखिए इंडोनेशिया में एक माउंट मेरापी है वो इरप्ट हो गया है। देखिए इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा अगर बात कर लें, यहां पर देखिए कई सारे मल्टीपल आइलैंड्स हैं और इस मल्टीपल आइलैंड में कुछ आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जावा, इसी जावा पे एक माउंटेन है माउंट मेरापी, और ये माउंट मेरापी वोल्केनो है और ये वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है, और रिसेंट में ये इस समय इरप्ट भी हुआ था और इसी वजह से ये न्यूज में बना है।
तो इंडोनेशिया का जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट वेरापी हैज इरप्टेड अगेन सेंडिंग एश एंड स्मोक मोर देन 3 माइल इनटू द स्काई। तो इसलिए ये न्यूज में आ रखी है। इसके बाद देखिए हमारी करंट अफेयर्स आती है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे बात कर रही होती है और ये 1963 से ही इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती है। हमारे यहाँ के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ये भी गए थे मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। लेकिन इसके साथ क्या है कि ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी है, ये जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज इनफॉर्मल। ये कोई फॉर्मल नहीं है, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, दिस इज इनफॉर्मल। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द ट्रॉपिकल मेन सिक्योरिटी इश्यू एंड टू डिबेट एंड एनालाइज द मेन सिक्योरिटी चैलेंजेस। बाकी देखिए ये पार्टी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेटली ओन्ड है और देयर इज नो एज सच ऑफिशियल गवर्नमेंट इवेंट। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट एज सच नहीं होता है। आगे देखिए हमारे पास आ जाती है कुछ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसमें बात करें तो देखिए हम लोगों ने नासा के मार्स रोवर एंड ऑल दैट, हम लोगों ने ये पूरा पहले ही डिस्कस कर रखा है अपने मार्च के महीने में। बाकी उसके बाद अगर बात करें, इसमें कुछ और भी एडिशनल है और वो एडिशनल है कि सुपर कैम ऑन मार्स 2020 रोवर, ये एक नई करंट अफेयर्स है। यहां पर क्या है कि जो नासा है वो अपना नया रोवर भेजना है, कहां पर? मार्स पे, मंगल पे इसको अगेन रोवर भेजना है और रोवर पे इस बार एक कैमरा भी लगा रहेगा जिसको बोल रहे हैं हम लोग सुपर कैम। होगा क्या, ये निकलेगा और अलग अलग फोटो क्लिक करेगा। फोटो क्लिक करके यहां पर बेसिकली यहाँ की लैंड, यहाँ की सॉयल, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में क्या चीज है, कैसे है, ये रिसर्च करने की कोशिश कर रहा होगा। डेटा भेजेगा और यहाँ पर उसकी रिसर्च हो रही होगी। इसके अलावा कुछ और भी सोर्सेज हैं, कुछ और भी मिशंस मैं कहूंगा कि हैं। तो मिशंस का नाम आपको याद रखना होता है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो मरीनर हो गई, ये भी नासा की है। मार्स रेजोनेंस ऑर्बिटर, ये भी नासा की है। फोनिक्स, ये भी नासा की है। मावेन, ये भी नासा की है। और इनसाइट लैंडर, ये तो खैर नासा का ही है। हमारे लिए मिशन मंगलयान, ये हमारा इंडिया का हो जाएगा और इनफैक्ट ये होने वाला है। चलिए खैर आगे बात करते हैं। आगे देखिए एक सोलर ऑर्बिटर मिशन भी है जो सन पे बेसिकली भेजा जा रहा है। सन पे हमारे पास जैसे एक आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन, जिसको कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और अगर बात करें दूसरी, तो ये सोलर ऑर्बिटर मिशन है। रिसेंटली द सोलर ऑर्बिटर प्रोब वॉज लॉन्च टू स्टडी द सन एंड प्रोवाइड न्यू इंसाइट ऑन द वर्किंग ऑफ सन। इसमें इसको छोड़ा किसके द्वारा गया है, मतलब कि मिशन है किसका? तो ये मिशन है बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, दोनों को मिला करके है ये। अब इसकी अगर बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि जाएगा ये सन के सोलर फ्लेयर्स को ये चेक करेगा। सोलर फ्लेयर्स को देखना है इसको और देखना है इसके हेलियोस्फीयर को। अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सोलर फ्लेयर का मतलब क्या होता है? सोलर फ्लेयर का मतलब होता है जो सन से कह लीजिए एनर्जी रेज निकल रही होती है, जो फोटॉन्स निकल रही होती है, उसको बुलाता है सोलर फ्लेयर। इसको स्टडी क्यों करना है? क्योंकि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देती है और इस वजह से हमें देखना है सन कैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है। यह हम लोग जब ज्योग्राफी की वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैं क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में हाउ सोलर फ्लेयर चेंजेस द या फिर इन्फ्लुएंसेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। दूसरी आती है हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर का मतलब होता है जो सन के चारों ओर में इसका अपना कोरोना है, इसके चारों ओर अपना जो भी स्ट्रक्चर जो मेंटेन करके रखता है उसी को इसमें हेलियोस्फीयर बोलते हैं। तो बस इन्हीं दोनों को ये स्टडी करेगा, देखेगा क्या चीज है, चेंजेस क्यों आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर पाएंगे। इसके बाद आगे अगर बात करें, आगे हमारी न्यू डिस्कवरी प्रोग्राम और नासा आ जाती है। तो कई सारे प्रोग्राम नासा ने अभी लॉन्च करके रखे हैं बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोविड के कारण से सारे ही प्रोग्राम इनको भी रद्द करने पड़ेंगे या फिर पोस्टपोन करने पड़ेंगे। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो नासा हैज अनाउंस्ड इट हैज सेलेक्टेड 4 डिस्कवरी प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप कॉन्सेप्ट स्टडीज फॉर पॉसिबल न्यू मिशंस। कौन कौन से नए मिशंस हैं? तो बेसिकली 2 प्रपोजल है वीनस के लिए और 1 एक प्रपोजल है जुपिटर के मून आईओ के लिए एंड नेपच्यून के मून ट्राइटॉन के लिए। तो बेसिकली ये 4 मिशन हो जा रहे होते हैं। अगर हम लोग बात करें वीनस के लिए, तो वीनस के लिए जो मिशन है उसका नाम है डाविंसी प्लस। इसका मतलब क्या है? डीप एटमॉस्फियर
वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस, दिस विल एनालाइज वीनस की जो भी एटमोस्फियर है टू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज फॉर्म्ड एंड इवॉल्व्ड एंड इफ इट एवर हैड एन ओशियन। तो बेसिकली वीनस के बारे में हम लोग जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ और वीनस को बोला जाता है कि दे आर ट्विन प्लैनेट्स, और हम लोग वीनस की स्टडी करके हम लोग चेक करेंगे कि आखिर में जितने भी ये प्लैनेट्स हैं या फिर कह लीजिए जितने भी सोलर बॉडीज हैं उसमें बेसिकली लाइफ कहां से पॉसिबल हो रही है, और साथ में मार्स को भी स्टडी करने के लिए हम लोग अलग अलग प्लैनेट में जाकर के देख रहे हैं कि क्या सिस्टम हो रही है। अगला बात करें तो आगे हमारा है आईवीओ मिशन। आईवीओ का मतलब क्या है? आईओ वोल्केनो ऑब्जर्वर। इट इज अ प्रपोजल टू एक्सप्लोर जुपिटर का मून आईओ विच इज एक्सट्रीमली वोल्केनिक एक्टिव एंड दिस विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टाइडल फोर्सेस शेप प्लैनेटरी बॉडी। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था पुराने करंट अफेयर्स में कि यहां पर आयरन शावर होती है। आयरन शावर का मतलब ये मेटल इतना ज्यादा टेम्परेचर पा जाता है कि पिघल करके शावर फॉर्मेट में निकलना शुरू कर देता है। अगली जो हमारी मिशन है वो है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट जो है वो नेपच्यून के ट्राइटॉन मून को स्टडी करने के लिए है। अगेन देखिए सबका एक ही पर्पज है कि किस तरीके से हम लोग बाहरी दुनिया के बाहर के जो भी सॉयल है या फिर जो भी वहां पर रिसोर्स है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उन रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। दिस एम्स टू एक्सप्लोर नेपच्यून्स आईसी मून ट्राइटॉन सो दैट साइंटिस्ट कैन अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हैबिटेट वर्ल्ड इन द सोलर सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने मिशन देखे। लास्ट मिशन हमारी आ जाती है वीनस के लिए, ये जिसका नाम है वेरिटास। ये क्या है? वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनसार। इसमें होगा क्या? टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से वीनस के सरफेस को मैप किया जाएगा और इसको देखा जाएगा कि किस तरीके से ये अर्थ से डिफरेंट है, हाउ इट हैज डेवलप्ड सो डिफरेंटली फ्रॉम अर्थ, क्योंकि दोनों को ही ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। सब कुछ सेम है, बस दोनों में क्या अंतर है, इसी चीज को देखा जाएगा इस वेरिटास मिशन के द्वारा। तो आपको क्या है, नाम याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए, और नासा का है ये याद होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो आगे हमारी देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इसको इग्नोर करिएगा, ये पुराना है, और आदित्य एल्बम मिशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में हम लोग बेसिकली यहां पर डिस्कस करेंगे, और लैग्रेंजियन जैसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, उन पांचों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कुछ है वहां पे। फिलहाल अगर बात करें देखिए पेल ब्लू डॉट एक नया खोजा गया है, और वो खोजा गया अगेन नासा के द्वारा, नासा के एक लैब है जिसका नाम है जेट प्रपल्सन लैब। नॉट इंपॉर्टेंट, आपको केवल याद रखना है कि नासा के द्वारा ये खोजा गया है। हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए सन है, सन की जो फ्लेयर्स हैं या कह लीजिए सन की जो रेज है जिसके कारण से लाइट रहती है, उसमें अर्थ की एक ब्लू डॉट पिक्चर निकल करके आई है, और इसी को नाम दिया गया है पेल ब्लू डॉट। बेसिकली ये है क्या, ये अर्थ ही है। तो हुआ क्या है, इट इज एन ऑब्जर्वेटरी जो ये बताइए पेल ब्लू डॉट, दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ इमेज। यहां पर हुआ क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इमेज इन द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इट शोज अर्थ एज अ सिंगल ब्राइट ब्लू पिक्सल इन एम्प्टी स्पेस विद इन अ स्ट्रैंड ऑफ सन रेज, सम ऑफ विच आर स्कैटरिंग फ्रॉम एंड इनलाइटिंग द प्लैनेट। क्वेश्चन इससे क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि रिसेंटली पेल ब्लू डॉट वॉज इन न्यूज, वॉट इट इज, तो आप बता देंगे इट इज अ पिक्चर ऑफ अर्थ, या फिर पूछा जा सकता है ये जो मिशन है वो किसके द्वारा फोटोग्राफ खींची गई है, तो आप बताएंगे वोएजर 1 मिशन था, ये एक स्पेस क्राफ्ट था, उसी ने पिक्चर खींच करके पिक्चर क्लिक करके सेंड की है। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टिटबिट्स हैं उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक है हमारा लखनऊ डिक्लेरेशन, ये लखनऊ डिक्लेरेशन बेसिकली रिलेटेड है इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्टर्स के जो आपस में मिले हैं और बातें की है रिलेटेड विद दिस एक्सट्रीमिज्म के, हाउ टू कोप अप विद देम, कैसे उनको रोका जा सकता है। तो डिक्लेरेशन एम्फसाइज द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन countering terrorism and violent extremism including through increased sharing of information and intelligence, aapas mein information share karenge aur usse terrorism ko rokne ki koshish kar rahe honge। ye dekhiye kafi important hoti hai is tarike ki declaration jo news mein rehti hai,
काफी पूछा जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, शंघाई डिक्लेरेशन, तो इस तरीके से अलग अलग डिक्लेरेशन आपसे पूछे जाते रहते हैं। मॉस्को डिक्लेरेशन हो गया, तो खैर जो पुरानी है वो आपको ध्यान में नहीं रखनी है, लेकिन जो न्यूज में है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है, उसको ध्यान में रखना है। द डिक्लेरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएन काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म एंड टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस रेजिम ऑन टेररिज्म। तो बेसिकली क्या है, यूएन के साथ जो भी नॉर्म्स हैं उसी पे ही ये काम करेंगे, उसी के साथ मिल करके काम करेंगे। इनका काम क्या है, इनका एम क्या है, टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन सिक्योरिंग सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिवेंटिंग मैरिटाइम क्राइम्स, डिजास्टर, प्राइवेसी, इलीगल एंड अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग थ्रू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विलांस। तो बेसिकली हर वो चीज जो ओशियन से रिलेटेड है वो सारी यहां पर की जा रही है, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो मैरिटाइम क्राइम हो, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ सी लाइन कम्युनिकेशन हो या फिर प्राइवेसी हो, कुछ भी हो, ये सी से रिलेटेड रहेगी सारी। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए एक छोटी सी न्यूज है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। मैं कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने निकाली हुई है, तो देयर इज अ चांस कि ये पूछा जा सके क्योंकि मिनिस्ट्री ने निकाला हुआ है। तो यहां पर अगर बात करें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में, इट विल फैसिलिटेट द असेसमेंट ऑफ ईज ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन अक्रॉस थ्री पिलर। वो कौन कौन से तीन पिलर हैं, एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेक करेगा, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को चेक करेगा, और ये अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे ये 14 कैटेगरीज एंड 50 इंडिकेटर्स है। नॉट इंपॉर्टेंट, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये तीन चीजें हैं, इकोनॉमिक एबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी, इनको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक इंडेक्स निकाला है जिसका नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। सिमिलरली देखिए एक और निकाली गई है, इसका नाम है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका काम क्या है, इट्स एम इनटू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी बेस्ड ऑन फाइव इनेबलर। कौन कौन से फाइव इनेबलर हैं, सर्विस हो गया, फाइनेंस हो गया, प्लानिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, और लास्ट गवर्नेंस हो जा रही होती है। ये देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं आप इसको, बट ठीक है आप देख सकते हैं किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, सर्विस करानी होती है, पैसा चाहिए होता है, प्लानिंग करनी होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, और उसमें एक गवर्नमेंटल बॉडी चाहिए होती है। तो बस वही पांचों इंडिकेटर लिया गया है और इसको बताया जा रहा है क्या कुछ है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए कुछ और भी करंट अफेयर्स है रिलेटेड विथ दिस टिटबिट। इसमें क्या है, काकीनाड़ा पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये न्यूज में रहा है क्योंकि यहां पर फिलहाल एक एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट के बाद से एक रेस्क्यू टीम भेजी गई थी जो एक्सीडेंट को कम की थी। तो बेसिकली ये हुआ क्या है, काकीनाड़ा पोर्ट न्यूज में इसीलिए आया है, पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहां पर है। बाकी जितने भी मेजर पोर्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं, वो हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अगली जो करंट अफेयर्स है, दैट इज रिलेटेड विद 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी कैंपेन। हुआ क्या है, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी जो यूएनएचसीआर है, इसने कहा है कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं वो नियरली 2 बिलियन किलोमीटर चल रहे होते हैं अपने लाइफ टाइम पे। इन्होंने अलग अलग तरीके से रिफ्यूजी को लिया, जैसे सीरिया से लोग टर्की जा रहे होते हैं, सिमिलरली साउथ सूडान से लोग केन्या जा रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर बात करें हमारे इंडिया में भी कोविड के कारण से बहुत सारे, अब रिफ्यूजी तो आप उनको नहीं बोल सकते हैं लेकिन माइग्रेंट जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे स्टेट में जाकर के रह रहे थे, काम धंधा कर रहे थे, वो लोग उठ उठ करके हमारे जो भी यूपी या बिहार या जहां पर के भी लोग थे वो लोग अपने घरों को आए, थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड किलोमीटर ये लोग चल करके आए थे, पैदल चल के आए थे। तो इन्हीं के साथ एक कोऑपरेशन, उनके साथ एक सिंपैथी शो करने के लिए यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की एक कैंपेन स्टार्ट हुई है जिसका नाम है 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी। जिसमें कहा गया है कि आप चाहे आप किसी मोबाइल के ऐप से या फिर किसी भी तरीके से आप जो है अपने जो भी रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं उसको आपको हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड करना, और कोशिश करिए कि आप भी 2 बिलियन किलोमीटर चलिए जिससे कि आप एक सिंपैथी शो कर सके यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के साथ। तो ये थी एक कैंपेन जो आपको ध्यान में रखना है, किससे रिलेटेड है बोल देंगे आप, रिफ्यूजियों से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए एक और करंट अफेयर्स है, दैट इज रिलेटेड फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। यहां पर क्या है, देखिए रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस के द्वारा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी के द्वारा निकाली गई है। बाकी इसकी कौन सी क्या है याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये याद रखिए आईएससी के द्वारा निकाला गया है। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट
एंड हॉल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस बाई 2050। तो जो हमारा पेरिस क्लाइमेट वाला जो हमारा टारगेट है उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव बना करके ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं आखिर में क्या कुछ है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 तरीके के रिस्क हैं रिलेटेड विद दिस फ्यूचर ऑफ अर्थ। वो कौन कौन से हैं? एक है फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन से रिलेटेड है, दूसरी है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गया, तीसरी है बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोलॉजिकल कोलैप्स हो गया, फिर फूड क्राइसिस है और लास्ट में है वाटर क्राइसिस। तो बेसिकली सारा का सारा रिलेटेड विद दिस क्लाइमेट है और यही क्लाइमेट अल्टीमेटली ये फ्यूचर ऑफ द अर्थ 2020 रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर, इसके बाद अगर आगे बात करें तो देखिए नेक्स्ट है हमारी कंबैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। इस पे कॉन्फ्रेंस हुई है और बिम्स्टेक ने इस कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया है, मतलब कि होस्ट किया है सॉरी। तो रिसेंटली इंडिया होस्टेड फर्स्ट एवर बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कंबैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में बेसिकली हो रखी है। अब देखिए हो क्या रहा है, व्हाई दिस ड्रग ट्रैफिकिंग, वी आर कंसर्न अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि एक्चुअल में इंडिया दो बड़े बड़े चीजों के बीच में है। बड़े बड़े चीज क्या है? एक तो गोल्डन क्रेसेंट है और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल। इन दोनों के बीच में इंडिया फंसा हुआ है, जिसके कारण से इंडिया में ड्रग की ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा हो सकती है। अगर हम लोग बात करें गोल्डन क्रेसेंट के बारे में तो गोल्डन क्रेसेंट का मतलब हो जाती है ये, और यहां पर आ जाती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। तो ये तीन कंट्री है जो ओपियम कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है और इसमें हमारा पंजाब का एरिया आ जाता है। दूसरी होती है जो ट्रायंगल के फॉर्मेट में है, जहां पर थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब जो है यहां पर मलेशिया नहीं म्यांमार आ जाती है और ये अगेन एक गोल्डन ट्रायंगल बना लेती है जो कि अगेन ओपियम कल्टीवेशन रीजन है और इसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो ये दो रीजन है जहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा होती है और उसका रीजन आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके के कॉन्फ्रेंस का करना काफी जरूरी हो जाता है जहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग को कैसे हमें रोकना है इसके बारे में चर्चा की जा रही होती है। हमारे यहां पे ऑर्गेनाइजेशन ये करवाए किसके द्वारा? ये करवाया गया एनसीबी के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, जो कि एक फेडरल एजेंसी फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ जा रही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आ जा रही होती है। The BIMSTEC conference sought to provide an opportunity to all the member nations to deliberate on the increased threat posed by drug trafficking and collective steps that were required to negate such threats. To protect itself from the menace of drug trafficking, India has adopted zero tolerance policy towards all kind of narcotics and psychotropic substance. और इसी के लिए हम लोगों ने Drugs and Cosmetics Act भी बना के रखा है, जिसपे हम लोग लगातार बहुत ही हाई मेजर्स लेते हैं, हाईली मॉनिटरिंग की जा रही होती है, क्योंकि ड्रग्स एक लाइफ खराब कर सकती है। बाकी देखिए एक छोटी सी न्यूज और भी है डार्क फाइबर को लेकर के। डार्क फाइबर का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों को अगर पता हो कि मान लीजिए आपका ये घर है, घर पे क्या होती है, जब भी घरों में वायरिंग की जाती है तो वायरिंग में ऐसा होता है कि कुछ चीजों को पहले से ही एडवांस में सोच करके वायरिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कि इन्वर्टर हो गया या फिर एसी प्लग हो गया, तो मान लेते हैं कि आप इन्वर्टर नहीं लगाए हैं लेकिन फिर भी आप वायरिंग करवा देते हैं, तो क्या हो गया, कायदे से तो वेस्ट हो गया कि आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ गई तो इसलिए पहले ही कर दिया जाता है। सिमिलरली डार्क फाइबर भी है, यहां पर क्या हुआ है, जब भी इंटरनेट की या फिर जब भी कोई फाइबर वगैरह की इंस्टॉलिंग की जाती है, वहां पर कुछ वायर्स ऐसे रखे जाते हैं जो अभी फिलहाल काम नहीं दे रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में जब भी जरूरत रहेगी तो इन वायर्स का यूज कर लेंगे। तो अगेन इसमें शेयर्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट काफी ज्यादा न्यूज में आया हुआ है, शेयर्ड इकोनॉमी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो दूसरी कम्युनिकेशन की कंपनी है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो ये कहेगा जिस कंपनी का यहां पर वायर बिछा हुआ है कि भाई यार मुझे जो तुम्हारे फ्री वायर्स है उसकी सर्विस दे दो, उसका जो भी रेंट वेंट होगा, जो पैसा होगा वो ले लो और मुझे ये वायर दे दो और अल्टीमेटली मैं भी एक यहां पर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरीके की चीजों को बोला जाता है डार्क फाइबर। तो रिसेंटली मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया अप्रोच द स्टेट रन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड टू यूज इट्स डार्क फाइबर। डार्क फाइबर का मतलब वो सारे फाइबर या वो सारे वायर्स जिनका यूज फिलहाल के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया डार्क फाइबर का मतलब क्या है।
तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, अपने डाउट को रेज करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।